तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचन के टीम मेंबर्स अपने अपने जर्नी पर निकल चुके थे। साथिया में हाउचन को दिखाया जाता है जो कि हान और यांग के साथ में फैंटेसी कैफ के लिए निकल चुका था। वेल तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि जब हाउचन हान और यांग के साथ में फैंटेसी कैफ के अंदर कल्टिवेशन करने के लिए जा चुका था तो इस दौरान डीमंस का अटैक काफी तेज हो चुका था और डीमंस लगातार युलोंग पास पर अटैक करते जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ युलोंग पास पर अटैक कर रहे थे बल्कि बाकी टेम्पल्स पर भी अटैक हो रहे थे, जहां पर हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि अपने आर्मी से सारे टेम्पल्स पर अटैक कर रहे होते हैं। जहां पर हमें नाइट्स और वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, पर डीमंस की पावर काफी ज्यादा थी, साथ ही उनकी संख्या काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से उन सभी को उनका सामना करने में काफी दिक्कत हो रहा था। नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि हजारों सालों के शांति के दौरान ह्यूमंस ने जितने भी रिसोर्सेस को इकट्ठा करके रखे थे, इस मुसीबत के दौरान उनको इन रिसोर्सेस का यूज करना पड़ा। और इसके बाद वो बताती है कि यहाँ पर जो भी वॉरियर्स है जो कि कमजोर हो या पावरफुल हो, वो सभी अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने घर को बचा सके। जहाँ पर हमें येहुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसेबल्स को ट्रेनिंग दे रहा था। अगले सीन में हमें हाउचन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि सिंग्यू को खोजने के लिए डिमन टेरिटरी के अंदर निकल चुके थे, क्योंकि जो सिंग्यू था वो एक डिवाइन नाइट था और इस परिस्थिति के दौरान एक डिवाइन नाइट का गायब हो जाना काफी ज्यादा दुखद बात है। सिंग्यू के गायब हो जाने की वजह से हाउचन की मदर भी काफी ज्यादा परेशान होती है। तो अगले सीन में हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लगातार युलोंग पास पर अटैक करते जा रहे थे। जहां पर हमें नरेटिंग वॉइस बताती है कि भले ही डीमंस युलोंग पास पर अटैक करते जा रहे थे, पर जो कमांडर थे वो अपने साथियों के साथ में मिलकर उन सभी डीमंस का सामना कर रहे थे और उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर परिस्थिति काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि जो डीमंस थे वो युलोंग पास के अंदर घुस चुके थे और सिटी पर भी अटैक कर रहे थे। जहां पर हमें काफी सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि युलोंग पास के अंदर मौजूद सिटी पर अटैक कर रहे होते हैं। वहां पर मौजूद वॉरियर्स उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहीं पर हम डीमंस को देखते हैं जो कि एक एक करके सारे नाइट्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं और कोई भी नाइट उनके सामने नहीं टिक पा रहा था और डीमंस ने काफी सारे नाइट्स को मार दिया था। वहीं पर हमें विलेजर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने जान को बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं। साथ ही हमें हाउचन के मदर को भी दिखाया जाता है जो कि वहां पड़ा चुकी थी और वो सभी को भागने में मदद कर रही थी। वो एक बच्चे को अपने साथ में लेकर भाग रही होती है। वहीं पर हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे पड़ चुके थे और वो हाउचन के मदर के ऊपर अटैक करने वाले थे, पर तभी वहां पर एक बंदा आ चुका था जिसने हाउचन के मदर को बचा लिया था और वो उनसे कहता है कि मिस आपको यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि यहां पर खतरा है। जहां पर हमें हाउचन के मदर को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही वहां से निकल जाती है। वहीं पर हमें मिथकल आर्मर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और अपने सामने आने वाले डीमंस को मारना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ब्रूटली उन सभी को मार रहा था। वहां पर ऐसा कोई भी डीमन नहीं था जो कि उसके सामने टिक पाए क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा होती है क्योंकि उसने वहां पर मिथकल आर्मर को पहना था जो कि एक लेजेंडरी आर्मर होता है। वहीं पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने एक बहुत ही खतरनाक अटैक का यूज करता है और एक ही साथ में काफी सारे डीमंस को मार देता है। इसके बाद वो अपने साथियों का जज्बा बढ़ाता है और कहता है कि हम सभी मिलकर इन सभी को मार सकते हैं। जहां पर हमें उन सारे वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और काफी मोटिवेट हो चुके थे, पर तभी वहां पर एक तलवार आती है जो कि सीधा जाकर मिथकल आर्मर वाले बंदे के साथ में टकराती है। वो बंदा उसको रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और इससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तभी वहां पर स्वॉर्ड की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है जो कि असल में फेदर होते हैं और वहां पर जो भी नाइट्स होते हैं वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। वहां पर ऐसा कोई भी नाइट नहीं था जो कि उसके अटैक से बच पाया हो। तभी एक आवाज कहती है कि मानना पड़ेगा भले ही ह्यूमंस कचरे हो पर उनके अंदर जज्बा कूट कूट कर भरी होती है। मिथकल आर्मर वाला बंदा अपने सामने देखता है तो वो काफी अड़ान हो चुका था क्योंकि उसके सामने एक डीमन गॉड होता है। जहां पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि असल में पीकॉक डीमन गॉड होता है, जो देखकर मिथकल आर्मर वाला बंदा काफी परेशान हो चुका था और वो अपने एक साथी से कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा और जाकर तुम्हें इसके बारे में प्लाटीन को बताना होगा। जहां पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि भागना स्टार्ट कर देता है, पर तभी वहां पर एक स्पेयर आती है जो कि उसके बॉडी को छेद देती है और उसको वहीं पर मार देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक और डीमन गॉड होता है जो कि हॉर्स डीमन गॉड होता है। जहां पर हमें हॉर्स डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम चींटियों को क्या लगता है, तुम सभी हमारे हाथ से बचकर भाग सकते हो। मिथकल आर्मर
वाला बंदा अपने सामने दो डिमन गोट को देखकर काफी हैरान हो चुका था। तभी हमें पीकॉक डिमन गोट को दिखाया जाता है जो कि अपने अटैक को रेडी कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है। वह अपने शील्ड का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता क्योंकि उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। साथ ही उसको काफी सारे फेदर्स भी लग चुके थे जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी पीकॉक डिमन गोट दोबारा से उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि आज पूरा यूलोंग पास हमारा होने वाला है क्योंकि हम सभी को मारकर यूलोंग पास के ऊपर कब्जा कर लेंगे। वो अटैक उसको लगने वाला था। वो बंदा कहता है कि क्या सच में मैं यहीं पर मरने वाला हूँ, पर तभी उसके सामने एक शील्ड बन चुका था और हमें दिखाया जाता है कि हाउचेन वहाँ पड़ा चुका था जिसने उसको बचा लिया था। हाउचेन को देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने डिमन गोट के अटैक को रोक लिया। वहीं पर हमें पीकॉक डिमन गोट को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने अटैक को रेडी कर लेता है और इसके बाद वो उसका यूज करके उस पर अटैक करने वाला था, पर तभी वहाँ पर हान आ चुका था जहाँ पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने 10,000 बर्निंग स्टार फायर का यूज करता है और पीकॉक डिमन गोट पर अटैक कर देता है। पर हॉर्स डिमन गोट उसके सामने आ चुका था और शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकने लगता है, पर यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसके सामने वो नहीं टिक पाता और काफी दूर जाकर गिर चुका था, जहाँ पर हमें हॉर्स डिमन गोट को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी हमें पीकॉक डिमन गोट को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और यांग पर अटैक कर देता है, पर हमें दिखाया जाता है कि यांग बच चुका था, हान ने अपने शील्ड का यूज करके उसको बचा लिया था। वहीं पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने इन्फानाइट साइलेंट टेक्निक का यूज करके पीकॉक डिमन गोट पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें पीकॉक डिमन गोट को दिखाया जाता है जो कि ये केज के अंदर बंद हो चुका था, जहाँ पर हमें पीकॉक डिमन गोट को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके उस प्रिजन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर वो प्रिजन काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से उसके अटैक से उस प्रिजन को कुछ भी नहीं होता और वो उससे बाहर नहीं आ पाता जिसकी वजह से वो काफी हैरान हो चुका था। वहीं पर हमें मिथकल आर्मर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन तीनों बंदों के टेक्निक्स को देखकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये जो भी टेक्निक्स है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से पीकॉक डिमन गोट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तभी यांग अपने पावर का यूज करके पीकॉक डिमन गोट पर अटैक कर देता है, पर हॉर्स डिमन गोट उसके सामने आ चुका था और उसने उसके अटैक को रोक लिया था, जिसके बाद वो तीन स्पेयर का यूज करके उन तीनों पर अटैक कर देता है, जहां पर हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि उसके स्पेयर को डॉज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके दौरान हमें पीकॉक डिमन गोट को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लड पावर का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था और वो केस से बाहर आ चुका था। वहीं पर हमें हॉर्स डिमन गोट को दिखाया जाता है जो कि अपने मार्शल सोल को रिलीज करता है और उसका यूज करके उन तीनों पर अटैक कर देता है। हाउचेन शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था और इसके बाद वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बन चुका था और ये अटैक काफी खतरनाक लग रहा था। वहीं पर हमें उस अटैक को दिखाया जाता है जो कि तेजी के साथ में हॉर्स डिमन गोट की तरह बढ़ रहा था। हॉर्स डिमन गोट भी अपने सामने शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है, साथ ही पीकॉक डिमन गोट भी उसके अटैक को रोक रहा था, पर ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से उनके शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही हमें पीकॉक डिमन गोट को दिखाया जाता है जिसका एक हाथ कट चुका था और वो दोनों जमीन पर आकर गिर चुके थे। वहीं पर हमें प्लाटिन को भी दिखाया जाता है जो कि वहां पड़ा चुके थे। वहीं पर हमें मिथकल आर्मर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हाउचेन यहाँ पर किस टेक्निक का यूज कर रहा है। जहाँ पर हमें प्लाटिन को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन के टेक्निक के बारे में उसे बताते हैं और बताते हैं कि ये जो टेक्निक है इसका नाम बाप्तिस्म ऑफ लाइट है, जो कि सिर्फ सन ऑफ लाइट ही यूज कर सकते हैं और इसके अंदर अर्थ और हेवन की पावर मौजूद होती है जिसकी वजह से इस टेक्निक की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर हमें उन दोनों डिमन गोट को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, जहाँ पर हमें हॉर्स डिमन गोट को दिखाया जाता है जो कि पीकॉक डिमन गोट से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और हमारे लॉर्ड को इसके बारे में बताना होगा। पीकॉक डिमन गोट वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उसको रोकने के लिए उस पर अटैक कर देता है, पर तभी वहाँ पर हॉर्स डिमन गोट आ चुका था और हाउचेन के अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है, पर तभी यांग भी वहाँ पर आ चुका था और अपने अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हॉर्स डिमन गोट उसके अटैक को नहीं रोक पाता और वो मारा जा चुका था। वहीं पर हमें हान को भी दिखाया जाता है जिसने अपने सप्रेसिंग पावर का यूज करके पीकॉक डिमन गोट को भी पकड़ लिया था। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि हॉर्स डिमन गोट के ताज को डिस्ट्रॉय कर
देता है और इसके बाद वो पीकॉक डीमन गॉड की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। पीकॉक डीमन गॉड कहता है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम सभी को अपने साथ में लेकर मरूंगा। और इसके बाद वो अपने क्राउन को बाहर निकाल लेता है और अपने आप को फोड़ने वाला था, जहाँ पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जिनको इसके बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं और उस डीमन को वहीं पर मार देते हैं। और इसी के साथ में इन तीनों ने मिलकर दोनों डीमन गॉड को मार दिया था, जहाँ पर हमें प्लाटिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उनको ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि सच में तुम्हारी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि तुम तीनों ने मिलकर यहाँ पर दो डीमन गॉड को मार दिया है जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। हाउचेन आगे बढ़ता है और कहता है कि आपको हमें ग्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्लाटिन कहते हैं कि सच में फैंटेसी केव के अंदर जाने के बाद तुम तीनों की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, साथ ही तुम तीनों के पास में काफी खतरनाक टेक्निक्स भी आ चुके हैं जिसका यूज करके तुम काफी आसानी के साथ में डीमन गॉड्स को मार सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी डीमन नहीं है जो कि तुम सभी के सामने टिक पाए, क्योंकि तुम सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब तुम तीनों इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो कि तुम तीनों सिर्फ डीमन गॉड्स के ही साथ में फाइट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी लो लेवल का डीमन तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता है। वही पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान था और इसके बाद वो प्लाटिन से कहता है कि प्लाटिन मेरे पास में एक सवाल है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और इसके बाद वो कहता है कि जब मैं इन दोनों डीमन गॉड्स के साथ में फाइट कर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनकी पावर पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी हो। प्लाटिन कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी के टाइम में तुम तीनों की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से डीमन गॉड्स भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पा रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। तो अगले सीन में हमें अगारेस और वसाक को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के पास में आ चुके होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि ब्रदर आखिर आपने इतनी जल्दी हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि वसाक से पूछता है कि अभी तक हमारे कितने डीमन गॉड्स मारे जा चुके हैं। जहाँ पर हमें वसाक को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि जब से होली वॉर स्टार्ट हुआ है तब से हमारे 23 डीमन गॉड्स मारे जा चुके हैं और अगर हम सारे डीमन गॉड्स को काउंट करें तो हमारे 48 डीमन गॉड्स मारे जा चुके हैं। जहाँ पर हमें डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या तुम दोनों को पता है, जब से यहाँ पर स्नेक डीमन गॉड का पिलर डिस्ट्रॉय हुआ है तब से हम डीमन्स की पावर कम होती जा रही है। और इसके बाद वो कहता है कि हमें दोबारा से स्नेक डीमन गॉड के पिलर को बनाना होगा क्योंकि धीरे धीरे करके हम डीमन्स की पावर कम होती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमारी पावर भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, तो समय रहते हमें स्नेक डीमन गॉड के पिलर को बनाना होगा ताकि हम इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सके, ताकि हमारी पावर पहले के जैसा हो सके। जहां पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी हैरान हो चुके थे। अगले सीन में हमें इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि साथ में नहा रहे होते हैं, जहां पर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये एक साल कैसे गुजर गया इसके बारे में तो पता ही नहीं चला। और इसके बाद वो कहता है कि हाउचेन क्या तुम्हें पता है, अब हमें अलग होना होगा। जहां पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे इसके बारे में मालूम है। यांग बताता है कि मुझे दुयानी टीम के साथ में अपने टीम को मर्ज करके डीमन के टेरिटरी के अंदर जाना होगा। जहां पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि उसको कांग्रेस करते हैं। यांग उससे पूछता है कि आखिर तुम दोनों क्या करने वाले हो। वो दोनों बताते हैं कि क्योंकि हमने अपने टेस्ट को पास कर लिया है, बस आखिरी टेस्ट बचा हुआ है, उसको देने के बाद हम अपने टीम को रिक्रूट करने के लिए यहां से निकल जाएंगे। यांग उनको ऑल द बेस्ट बोलता है। हान उससे पूछता है कि क्या तुम इंगर से मिलने के लिए नहीं जाओगे। जहां पर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अभी मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूं कि मैं इस फाइट के दौरान इंगर को प्रोटेक्ट कर सकूं, तो जब तक मैं पावरफुल नहीं हो जाता हूं मैं इंगर से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। और इसके बाद वो अपने पास एक लॉकेट को निकालता है और कहता है कि क्या तुम मेरे ओर से इसको इंगर को दे सकते हो। जहां पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें इस लॉकेट को खुद ही उसको देना चाहिए, अगर हम इसको ले जाकर उसको देते हैं तो उसको काफी ज्यादा बुरा लगेगा। तभी हमें हान को दिखाया जाता है जो कि उसके हाथ से लॉकेट को छीन लेता है और वो दोनों मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। वेल, तो अगले सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने मिशन पर निकलने के लिए रेडी हो चुके थे। जहां पर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को ऑल द बेस्ट बोलता है और इसके बाद वो वहां से निकल चुका था। साथ ही हमें उन दोनों को भी दिखाया जाता है जो कि अपने लास्ट टेस्ट को देने के लिए वहां से जा चुके थे। अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि प्लाटिन के साथ में एक जगह पर जा रहा था। प्लाटिन उसको बताते हैं कि जो हान है वो मिथकल आर्मर वाले टेस्ट को देने के लिए जा चुका है और इसके बाद वो हाउचेन को बताते हैं कि हाउचेन तुम
जिस टेस्ट को देने के लिए जा रहे हो वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। और इसके बाद वो कहते हैं कि सील डिवाइन थ्रोन के बाद जो दूसरा आर्टिफैक्ट आता है वो ये आर्टिफैक्ट है, तो तुम्हें काफी सावधानी के साथ में इसके टेस्ट को देना होगा और तुम्हें इसके टेस्ट को पास करना होगा। और इसके बाद वो अपने सामने वाले एक दरवाजे को खोल देते हैं, जहाँ पर हमें एक सील डिवाइन थ्रोन को दिखाया जाता है, जो कि असल में सील डिवाइन थ्रोन नहीं है बल्कि एक सूट है जो कि गोल्डन आर्मर है, जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मैं रेडी हूँ। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल गाइस, मैं जानता हूँ कि इसके अंदर काफी ज्यादा नॉइस है, तो आप सभी थोड़ा सा काम चला लेना, अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि नॉइज ना आए, तो आप सभी थोड़ा सा मैनेज करना। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ में।